सिंधी समुदाय इंडिया में शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजी बनकर आया था। आज सिंधी लगभग हर क्षेत्र में आगे हैं। इनके योगदान की हर कोई सराहना करता है। आइए जानते हैं सिंधी कम्युनिटी के बारे में कुछ मजेदार चीजें। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू इंडिया आ रहे थे और मुस्लिम पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू मुस्लिम के बीच बेहद भाईचारा था, लेकिन बढ़ती असुरक्षा के कारण करीब 8 लाख सिंधी हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में शरण लेने का कड़ा फैसला लिया। पूरे इंडिया में आज 25 लाख से ज्यादा सिंधी हैं। भारत में सिंधियों की आबादी सबसे ज्यादा मुंबई के उल्हासनगर एरिया में है। सिंधी भाषा को भारत सरकार ने 1967 में 15वीं ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की थी। ज्यादातर सिंधी हिंदू हैं, लेकिन कुछ सिंधी सिख धर्म के सिद्धांतों को भी मानते हैं। इन्हें सहजधारी कहते हैं। सिंधियों का न्यू ईयर यानी कि चेटीचंड सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये त्योहार भगवान झूलेलाल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें वरुण देव का अवतार मानते हैं। इस दिन सिंधी पानी को पूजते हैं। चेटीचंड के अलावा अक्षय तृतीया और तीजरी के अवसर पर भी काफी जश्न मनाए जाते हैं। ज्यादातर सिंधियों का सरनेम ANI से एंड होता है, जिसका अर्थ होता है वंशज। ये सरनेम्स मोस्टली पूर्वजों के नाम से जुड़े होते हैं, जैसे गिडुमल के फैमिली का गिडवानी, मेहरचंद का मेहरचंदानी। एक चीज ध्यान में रखने जैसी ये है कि कुछ सिंधी सरनेम्स JA से भी एंड होते हैं, जैसे आहूजा और राहेजा। भारत में सिंधियों ने लगभग हर फील्ड में नाम कमाया है, जैसे राम जेठमलानी, इंडिया के नंबर 1 लॉयर, पंकज अडवाणी, वर्ल्ड फेमस बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर, निरंजन और सुरेंद्र हीरानंदानी, रियल एस्टेट टाइकून्स, रणवीर सिंह भावनानी, बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक। अपने मातृभूमि की तड़प शायद कुछ सिंधियों को हुई होगी, बट उन्होंने कभी इस बात को बाधा रूप नहीं बनने दिया। जब भारत में भाषा के आधार पर नए नए राज्य बनाए जा रहे थे, इन्होंने कभी अलग राज्य की मांग या जिद नहीं की। जहां भी गए सबके साथ घुल मिल गए। सभी सिंधियों को